कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रविवार को असम में राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई राहुल को बचाते हुए उनके सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बस के अंदर वापस ले गए घटना के दौरान राहुल का काफिला सोनितपुर में था राहुल ने घटना को लेकर कहा आज बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने झंडा लेकर हमारी बस के सामने आ गए मैं बस से निकला और वो भाग गए हमारे जितने पोस्टर फाड़ने हैं फाड़ दो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी विचारधारा की लड़ाई है हम किसी से नहीं डरते न ही नरेंद्र मोदी से न असम के मुख्यमंत्री से कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा के काफिले पर 48 घंटे में दूसरी बार हमले का आरोप लगाया है कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा आज जब हमारा काफिला असम में रैली स्थल की ओर जा रहा था तब जुमगिरी घाट में हेमंत बिस्वा शर्मा के गुंडों ने महासचिव जयराम रमेश की गाड़ी पर पानी फेंका और स्टिकर फाड़ा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा भाजपा के लोगों ने हमारी सोशल मीडिया टीम के कैमरामैन और अन्य सदस्यों पर हमला किया इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज इंडिया के साथ धन्यवाद